केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कृषि विधेयकों का विरोध कर रही कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सिर्फ सरकार के विरोध में किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि किसान नया कानून बनाने से खूब है। कानून के अमल में आने के बाद बिचौलियों से मुक्ति के साथ किसान कहीं भी अपने ऊपर बिक्री कर सकेंगे। यह बातें केंद्रीय सरकार मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में किसान समस्या से करा रहे थे। वर्ष 2014 में एनडीए सरकार आने पर यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। किसानों की दशा को सुधारने के लिए किसान सम्मान निधि योजना, 1 करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष और प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई। और उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की बात यदि अफसर नहीं सुनते हैं तो वे उनके कार्यालय और जिला अध्यक्ष से संपर्क करेंगे, तत्काल उसकी समस्या का निवारण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा और अरुणा गौतम, कुलदीप भदौरिया, शिव प्रताप सिंह आदि पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ट्रक में लाकर के ट्रैक्टर को कांग्रेस ने जिस तरह से जलाया, मैं समझ नहीं पाती हूँ। कांग्रेस का ना तो संसद पर विश्वास है, ना जनमत पर विश्वास है, ना जनता पर विश्वास है। यदि मैं 14 से अभी तक देखूं, जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, आप अभी देख रहे हो उत्तर प्रदेश सरकार में किसानों की लाइट अलग करने जा रही है, क्योंकि उपभोक्ता और किसान की लाइट एक होने के कारण कहीं फॉल्ट हो गया, ना तो किसान को पूरी लाइट मिल पाती है ना गांव के लोगों को मिल पाती है। दूसरा, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित ट्यूबवेलों के लिए सब्सिडी 75% सरकार दे रही है। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय किसान मेहनत करता है, सब्जी पैदा करता है, बिचौलियों ने 5 रुपया 10 रुपया में भिंडी खरीदी और उसी को मार्केट में जाकर के 25-30 रुपए में बेचा। अब किसान गांव में अपना समूह बना करके भी, 8-10 किसान है, छोटे हैं, 5 बीघा 10 बीघे वाला, वो समूह बना करके किसी भी मंडी में किसी भी प्रदेश में जाकर बेच सकता है। अभी सपोज हमारे जिले की मिर्ची, अमौली में सबसे ज्यादा उसका उत्पादन होता है, और खरीदने कहाँ के आते हैं लोग, और वे खरीदते यही के लोग बिचौलिए खरीदते हैं, कलकत्ता जाकर के, महाराष्ट्र जाकर के बेचते हैं। किसान को कितना फायदा मिला? किसान को ना कुछ, क्योंकि किसान को लगता है कि हम कहीं ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, हमारी गाड़ी सीज हो जाएगी, हम नहीं कुछ कर सकते। इस दायरे को सरकार ने खत्म किया है। यदि किसान किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी मंडी में बेचने जाता है, कोई भी वहां रोक नहीं होगी, कोई रोकेगा नहीं। यह सरकार ने संसद के अंदर पारित किया है। बड़ा दुर्भाग्य है जो लोग किसानों के नाम से राजनीति अभी तक करते रहे। आप यदि 14 के पहले देखेंगे तो गेहूं क्या भाव बिक रहा था, मैंने उसमें आपको दिया प्रेस न्यूज में, किसानों का जो गेहूं था 1400 कुछ रहा। उसके बाद सरकार हमारी आई 2014-15 में बढ़ाया, 16-17 में बढ़ाया, 17-18 में बढ़ाया, और आज जब मैं आपके बीच में बैठ के बात कर रही हूँ 1950 में गेहूं कर दिया। यह क्या किसान को लाभ मिल पा रहा था? क्या नहीं मिल पा? यही यदि असोथर ब्लाक का आदमी है तो दूसरे ब्लाक में जाकर नहीं बेच पाता था, एक ब्लाक का आदमी दूसरे गोदाम कांटे में जाकर नहीं बेच पाता था। अब वो फ्री है, कहीं भी जाकर के बेचेगा। हमारी सरकार कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि मैं उस मंत्रालय में मंत्री रही हूँ, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में,
2014 के पहले ना कुछ के बराबर उसका बजट था। आज उस बजट को चौगुना करके किसान यदि अपने गांव में पहले 50 करोड़ लगाए, 1000 करोड़ लगाए, तब उसको कहीं सब्सिडी मिलती थी। अब यदि कोई मिल करके 10 लाख लगा करके काम करना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी मिलेगी। पशुपालन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया, ये भी कृषकों से ही जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि जब हम देश का 75वां वर्षगांठ मनाएंगे तब हमारे देश के किसानों के हाथ मजबूत होंगे। आजादी के मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने कभी सुनाया हो ना सुनाया हो, मैं आप सुनाए दे रहे। 1982 में मैंने घर छोड़ा था। 1983 में बरुआ सुमेरपुर पड़ता है, कस्बा पड़ता है, वहां इंदिरा गांधी जी आई हुई। इंदिरा गांधी को लगा कि प्रधानमंत्री देश की हम भाषण सुन ले, इतनी तो समझ थी नहीं। उनका भाषण यह था कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, गरीबों को पक्का छत देंगे, गरीबों को हाथ मजबूत करेंगे। आप आश्चर्य मानेंगे कि मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, फौड़ा चलाने वाले बाप की बेटी हूँ। मैं तो घर से निकल आई हूँ, अब मेरे बाप के कम से कम पक्की छत होगी और उसके हाथ में कोई ना कोई रोजगार होगा। यह नारा लगाते लगाते 14 तक एक गांव में यदि किसी को इंदिरा आवास मिल जाता था, लोग कहते थे उसका थोड़ा आदमी को मकान मिल गया। 2014 के बाद आप कोई भी गांव में जाएंगे, आपको 10-15-50-100 घर प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। गांव को कैसे मजबूत कर सकते? आज हर गांव पंचायत में पंचायत भवन बनने जा रहे हैं। यदि लोकसभा पार्लियामेंट में सचिवालय हो सकता है, विधानसभा में सचिवालय हो सकता है, जिले में सचिवालय हो सकता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का सचिवालय हो सकता है, तो क्या ग्राम पंचायत में सचिवालय नहीं होना चाहिए? हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं होने चाहिए? कम से कम उस पंचायत भवन में गांव के लोग अपनी बात रखें और सबको लोगों को लाभ देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मेरा आप सब से अनुरोध है कि जिस तरह से विपक्ष कुछ लोगों को लेकर के, मैं तो बहुत सारे किसानों से बात की, अभी खेतों में जाकर के बात की, बोले हमारे लिए तो फायदा है। मैंने कहा फिर ये आंदोलन कौन कर रहा है? बोले आंदोलन हो सकता है कि ये लोग ले गए हों। अब एक घटना आपको बता रहे, दिल्ली के चांदनी चौक में रामलीला मैदान पड़ता है, एक बार वहां कार्यक्रम हुआ, बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ। हमने वहां से निकले, हमने पूछा भैया आप लोग किस लिए आए? बोले हमें मालूम नहीं, हमें तो फला आदमी लेकर के आया तो हमें लगा कि इसी बार में हम दिल्ली देख आए। कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं, किसी को मालूम है नहीं कि हमें कहां लिया जा रहा है, क्यों जा रहे हैं। ऐसे ही इस टाइम कांग्रेस सपा बसपा कर रही है, सही महीने में किसानों के हित में नहीं जो कर रहे हैं। किसान नहीं देखना चाहते कि किसान संपन्न हो, नहीं चाहते कि किसान अपने पैरों खड़ा हो, नहीं चाहते कि किसान अपनी लागत का मूल्य तय कर सके। मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में जो बिल लाई है वो तो किसानों के हित में है, किसानों को मजबूत करने के लिए है, किसानों को अपने पैरों खड़े होने के लिए है। क्या किसान का बेटा पढ़ के उसको अच्छी सर्विस नहीं मिलनी चाहिए? सरकार उस दिशा पर काम कर रही है। मैं आप सबसे